इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम राजेश चौधरी है। साइंटिफिक करेंसी एंड कमोडिटी ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस एंड लेवल्स जानेंगे जो आपको स्क्रिप्ट दिख रही है, गोल्ड, सिल्वर, निकल, कॉपर, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल्स। जो लेवल्स मैंने ऑलरेडी दे रखे लास्ट दो दिन से, वैसे ही लाइक एंड डॉट वर्क कर रहे हैं, अगेन वही वर्क कर रहे हैं और कुछ चेंजेज हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले गोल्ड देख देते हैं। मैंने क्या बोला था, ये आपका नेकलाइन है। ठीक है, इस नेकलाइन के नीचे जब तक आपका गोल्ड है, क्या है, नेगेटिव है। एवरी राइज ए सेल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, पहले आपका पॉजिटिव था, यहां मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव है कि इस रेंज के अंदर घुस गया तो रेंज हो जाएगा और उसके बाद ये लेवल्स, इस लेवल पे एज ए नीचे आ गया, रेजिस्टेंस फेस करेगा तो बढ़िया डाउनफॉल आएगा। अब भी देख लीजिए, लाइव 15 मिनट की कैंडल बन रही है लाइक ए डॉट। तो इस लेवल के 47,000 जब ब्रेक कर गया तो एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी, इसके अंदर घुस जाएगा तो वापस ये रेंज में आ जाएगा, देन अगेन नई तेजी फिर 47,200 के बाद ही आएगी। लाइक ए डॉट लेवल वर्क कर रहा है। एक बार भी आपको कहीं भी, मैंने क्या बोला, किसी भी पुल बैक पे आपको चेंज नहीं करा। इस पुल बैक पे चेंज करते एसएल, इस पुल बैक पे चेंज करते एसएल, यहां चेंज करते मार्केट को एसएल। ठीक है, यहां चेंज करते तो जब मार्केट गिर रहा है क्यों चेंज करना, करना था तो सेल की अपॉर्चुनिटी थी ना, गैप था। जिसने यहां पोजीशन ली 50% क्वांटिटी को होल्ड करके रखा, प्राइस देखिए कहां चल रहा है, 46,700, और टॉप कहां था, 1000 पॉइंट के आसपास। मींस कंटिन्यूअसली मैं आपको बता रहा हूं, रेगुलर बेसिस पे बता रहा हूं, उसको फॉलो करिए। अब प्राइस ओवर स्ट्रेच हुआ, एक जो है आपका बियर फ्लैग बना, ओवर स्ट्रेच हुआ, एक बार प्राइस आपका गैप फिल करने जाएगा, देन आपका अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो सेल करिए, नहीं तो फिर रेंज में हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट अगर हम बात करेंगे तो सिल्वर। ठीक है, सेम सिल्वर का चार्ट, मैंने क्या बोला था आपको कि ये जो रेंज है, ये रेंज जैसे ही ब्रेक होगी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, और कल फिर आपको मैंने ये बोला था कि इस रेंज पे, हाई रेंज पे अंदर घुस जाएगा और हाई रेंज पे सेलिंग आएगा। लॉन्ग अपर शैडो मींस लॉन्ग अपर वीक बना करके प्राइस ने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया और परफेक्ट आपको सेल मिला, अगेन अपॉर्चुनिटी। अब प्राइस आपका कंफर्म हो गया सेल एट राइज, अगेन प्राइस ऊपर गया, फिर आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिली, तो एक परफेक्ट आपको ट्रेड मिला सिल्वर के अंदर। आप देखिए अब क्या, अब ये प्राइस इस जिस रेंज में आ रहा है, ये रेंज में घुस जाएगा, नेगेटिव आपका 62,800 के नीचे नेगेटिव नहीं होगा, तब तक आपका रेंज के अंदर होगा, फिर ये सपोर्ट लेगा, इस सपोर्ट से भागना होगा तो फिर ऊपर चला जाएगा, इसके नीचे सस्टेन होगा तो ही नीचे जाएगा। तो अब आपका प्राइस एक बार रेंज के अंदर आएगा, मूवमेंट जितना आना था आ गया, ऐसे इमीडिएटली मिस, मूवमेंट आने के बाद जब वाइड रेंज कैंडल बनने लग जाए तब ट्रेड नहीं करना, ट्रेड करना था तो यहां करना था, इसको मिस कर दिया तो कर दिया। अब आपको अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ पे बाई की मिलती है तो ऊपर की साइड करिए, अगर फिर रिटेस्ट पे अगर एंट्री मिलती है सेल की तो करिए, नहीं तो ट्रेड करके फंसिए मत, अपना कैपिटल मत गंवाइए। ठीक है, नेगेटिव है बट एक्चुअल नेगेटिव 62,800 के नीचे ही होगा, तब तक आपका ये पॉजिटिव ही है, मीन अभी रेंज के अंदर आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस ओवर स्ट्रेच हुआ तो प्राइस ऊपर भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर निकिल की बात करेंगे तो निकिल कंटिन्यूसली जो मैंने लेवल दिए वही लेवल मैंने आपको क्या बनाया था, कल ही बनाया था कि आपका प्राइस जिस तरीके से चार्ट पे मुझे दिख रहा है, एक आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइस ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, बूम प्राइस। कल ही बोला मैंने, कुछ भी डिलीट नहीं किया, जैसे मैंने बोला लाइक ए डॉट वैसे ही लेवल काम करते हैं। मैं अगर YouTube पे आपको वीडियोस के थ्रू इतने लाइक ए डॉट लेवल बता सकता हूं तो लाइव क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाता हूं आप सोच सकते हैं। सीखने के बाद हर कोई इंडिपेंडेंट बन जाता है, तब तक आप गैम्बलिंग ही करते हैं, इससे अच्छा आप लर्निंग कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट अगर हम बात करेंगे तो आपका है कॉपर। ठीक है, कॉपर के लेवल कंटिन्यूअसली मैं आपको क्या कर रहा हूं, सेल एट राइज, तो देख लीजिए आज ही देख लीजिए सेल एट राइज, प्राइस ऊपर बढ़ा सेल किया, ऊपर बढ़ा अगेन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो प्राइस तो वैसे ही चल रहा है, अब ट्रेडिंग सही करना ना करना मींस आपको प्राइस ऐसे हाई राइज चल रहा है तो टॉप पे आप बाय करेंगे तो फिर आपका ऐसे लग ही जाएगा ना, अगर प्राइस पॉजिटिव है तो बॉटम पे बाय करना, अगर नेगेटिव है तो टॉप पे सेल करना, पैसा तो तभी बनेगा। ठीक है, ये बेसिक्स रूल है प्राइस का, किसी भी इंडिकेटर को जरूरत नहीं होती। सेम मैंने क्या बोला था नेचुरल गैस के लिए आपको, कल बोला था ना कि ये रेंज है, जैसे ये रेंज ब्रेक होगा इमीडिएटली बड़ा मूव आएगा, और देख लीजिए लास्ट 30 मिनट के अंदर क्या हुआ, और अभी भी ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका साइंटिफिक प्राइस एक्शन की पावर है, स्किल्स की पावर है, कि स्किल्स की बात ये सब चीज होता है, और ये नहीं कि मैं आपको अभी बता रहा हूं, कल भी मैंने आपको ये बोला था, ये सब ड्रॉ करके रखा हुआ है, मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया, परसों भी ये बोला था, रेगुलरली बेसिस पे बता रहा हूं। ठीक है, पैसा कमाना, काम करना ना कमाना वो आपकी मर्जी है, कि आपको उल्टा करना है, सीधा करना, नेगेटिव करना। ठीक है, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट मैं 5100 का लेवल दिया था,
कि 5100 के ऊपर जैसे ही आपका क्लोज हो जाए, रेटेस्ट पे आपको एंट्री मिले, तो आप देख लीजिए अभी कहां चल रहा है, हाई कितना मारा है 5137 का। तो एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी। अगेन नीचे अगर घुस गया तो फिर रेंज में चला जाएगा, ऊपर की साइड जो लेवल आते हैं तो फिर ये 5158 तक ये रुकेगा, एक बार ये लेवल है, इसके बाद ही आपका प्राइस ओवर स्ट्रेच होता है, एक बार प्राइस पुल बैक करके फिर बढ़ेगा। तो इस तरीके से करेंगे तो पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता, बट आपको इसके लिए एंट्री भी आनी चाहिए, क्योंकि एक या दो तरीके की एंट्री होती है तो मैं आपको सिखा भी देता, क्योंकि इंट्राडे के अंदर जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी 11 टाइप की एंट्री होती है। 11 टाइप की एंट्री सीखने से पहले, क्योंकि वो साइंटिफिक एंट्री होती है, उसको सीखने से पहले आपको मार्केट से सीखना पड़ता है कहाँ पे कौन से की एरिया फेल हुए, कौन से डिमांड एंड सप्लाई जोन है, देन आपके एंट्री कैसे करेंगे, देन रिट्रेसमेंट कैसे होगा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे होगा। मीन्स पहले आपको वो स्किल्स देनी पड़ेगी, बेस बिल्डिंग करना पड़ेगा, तब एंट्री। अगर आपको लगता है कि इतना सब करने के बाद भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो आप गलत फहमी में, एंड में आप देख लेना आपका अकाउंट नेगेटिव मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा, अगर आप और स्मार्टनेस है तो, ठीक है, एक्सेप्टेंस है तो हर बंदा कमाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्टेंस वाला तो लाइफ में हमेशा ग्रोथ करता है, बट और स्मार्ट कभी भी ग्रोथ नहीं करता। तो आप देख लीजिए आप किस श्रेणी में आते हैं, कि आप लर्निंग एक्सेप्टेंस वाले कैटेगरी में या फिर एक्सेप्टेंस वाले कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। मैं इतने इतने अच्छे कंटेंट डालता हूँ, मैंने ट्रेंड लाइन वाला आप सब लोगों के लिए वीडियो डाला, ठीक है, 99.99% बंदों ने उस वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक किया, पर्सनली भी मुझे कमेंट किया, ठीक है। अब 0.01 बंदों ने, दो बंदों ने डिसलाइक कर दिया, ठीक है, तो वो कौन हो सकते हैं? देखो वो ही हो सकते हैं, यूट्यूब पे आना भी है, यूट्यूब पे वीडियो सर्च भी करना, नॉलेज भी पूरा, अपना ज्ञान भी देना। अरे तो भाई अपना चैनल बना लो, अपना ज्ञान दे दो ना, मैं मुझे सिखा दो, मेरे अंदर एक्सेप्टेंस है, मैं सीख लूंगा आपसे, बट उतना कैपेबिलिटी लेके आओ जो डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है। मुझे डिसलाइक लाइक से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उनसे कौन सा लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, आप सब डिसलाइक कर दो, सब लाइक कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। बट वो दो चार जो अपने, मतलब वो कहते हैं ना, वो अपने औकात दिखा देते हैं। एक छोटी सी कहानी सुना था, एक फार्मर होता है, हस्बैंड वाइफ जा रहे होते हैं कहीं पे, तो वो खेत से काम करके आ रहे होते हैं, तो फिर वो उनके साथ एक गधा होता है, ठीक है, उस गधे के ऊपर वो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, देखने वाले क्या बोल रहे हैं, कि गधे के ऊपर चढ़े हुए, पूरे दिन गधे ने खेत में काम किया, इनको शर्म नहीं आ रही, गधे से उतर जाना चाहिए। तो गधे से उतर गया, आगे चल गए, लोग बोलने लगे, तो आगे चल गए, उतर गए, तो लोग बोलने लगे, कितने बेवकूफ है, पूरे दिन काम कर रहे थे, गधे के ऊपर नहीं चढ़ सकते क्या? तो फिर गधे पे चढ़ गए, अब आगे चल के लोग फिर बोलने लग गए कि कितने बेवकूफ है, तो बेचारे परेशान हो गए, उन्होंने गधे को सर पे उठा लिया, तो फिर लोग बोलने लगे कितने बेवकूफ है। तो भाई हाथी चलता रहेगा, कुत्ते तो भौंकते रहेंगे, उसे क्या फर्क पड़ता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपने दम पे बहुत कुछ किया, 16-17 ईयर का एक्सपीरियंस है, किसी को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप को फॉलो करता हूँ, ठीक है। ऐसे लोगों से कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, वो वीडियो भी देखेंगे, सब चीजें करेंगे, अपनी ऐसी तैसी भी करवाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय। अगर नहीं अच्छा लगा तो बाकी लोगों की, उन लोगों की श्रेणी में आ जाइए, डिसलाइक कर दीजिए और अनसब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो ही मत देखिए, आप लोगों के लिए यहाँ पे स्पेस ही नहीं है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।